लगातार बरसात के बाद राजस्थान के कई जिले पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। कई जगह पर तबाही मचाने वाली मूसलाधार बारिश हुई। ये तस्वीर है बीकानेर की, जहां एक तरफ कुछ जगहों पर बारिश लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में आफत बनी हुई है, तो वहीं ये तस्वीर देखिए, जहां एक बच्चा गलियों में भरे पानी में स्विमिंग के मजे ले रहा है। बार जैसे हालात में भी मजे से सड़क पर तैरते इस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं निधि स्मृति झा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। चलिए अब बात करते हैं आज के मौसम के हाल की। राजस्थान में कई जगहों पर अभी कुछ समय तक नदी नाले उफान पर रहेंगे। अगले 24 घंटे की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झमाझम बारिश के बीच सूरज के तीखे तेवर भी देखने को मिल सकते हैं। अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, फालौदी, जोधपुर, ब्यावर, नागौर, कुचामन, दीदवाना, अजमेर, बाड़मेर, बालोतरा, केकरी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, सांचौर, जालौर, सिरोही, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद में मौसम गर्म रहेगा। कोटा, बारा और झालावार में आंधी और मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के मुताबिक 6 जुलाई को भी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हुई, तो वहीं 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होना शुरू होगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। 9 और 10 जुलाई से फिर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में आगामी 2 से 3 दिन दोपहर बाद बादल गरजने के साथ आंधी और बारिश के आसार हैं। जोधपुर संभाग के पूर्वी व उत्तर भागों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते शाम में टोंक जिले में पहली ही बारिश में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। पहली बारिश में भारी तबाही मच गई। साहोद्रा नदी के उफान का पानी चांसेम गांव में घुस जाने से वहां कई मकाने धाराशाही हो गए। मालपुरा कस्बे का तालाब भी पूरी तरह से लबालब होने के बाद ओवरफ्लो हो गया। लगातार बारिश के चलते सड़कें कट गई हैं। सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने से कई गांव का आपसी संपर्क कट गया है। वहीं बात करें बीकानेर की, तो वहां से 3 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। आपके जिले में बारिश राहत बनकर बरस रही है या आफत बनकर, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और तमाम ताजा खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राजस्थान तक।